हेलो गाइस, वापस से खेलने जा रहे हैं रिटेल स्टोर सिमुलेटर। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं परचेस करूंगा कैशियर को, क्योंकि कस्टमर वर्कलोड बहुत हो चुका है मेरे ऊपर, और आज हम फ्रीज और फ्रीजर को भी परचेस करेंगे। तो चलते अपने गेम की तरफ, तो लेट्स गो। और गाइस, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि हमने वेंडिंग मशीन 2 परचेस करी थी। ओके गाइस, स्टोर को करते हैं हम अपना ओपन। और गाइस, न्यू अपडेट आ चुका है, तो हमारा यहाँ पर ऊपर की तरफ टाइमर भी दिखाता है कि कितने बजे हुए हैं। और गाइस, यहाँ पर हम प्राइस भी चेंज कर सकते हैं, मतलब कि प्राइस में भी चेंज आए। तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ, देखो एक है मैनुअल, एक है स्लाइडर। तो यहाँ पर मैनुअल पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हम अपने हिसाब से प्राइस डाल सकते हैं अपने सामान का। यहाँ पर जैसे कि मैंने यहाँ पर 11 रुपीज डाल दिए डॉलर, लेकिन अब मुझे $9 डालने। और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम ऐसे प्राइस भी डाल सकते हैं। फिलहाल तो हमारे पास सामान है यहाँ पर, और आ चुके हैं हमारे कस्टमर यहाँ पर। एक सेकंड, पहले कस्टमर को देखते हैं। हेलो मैम, आइए, आपका वेलकम है हमारे रिटेल स्टोर में। गाइस, यहाँ पर हमारे कस्टमर खड़े हैं। फिलहाल तो मेरे को इनका बिल विल बनाना है। ये मैम, आपका बताइयो, क्या आपने ये कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग लिया है? ओके, बहुत सारा सामान लिया है, वेरी गुड, आप ऐसे लेते रहना। मिल्क विल्क भी लिया, बढ़िया। यहाँ पर आपके हो चुके हैं $27। यहाँ पर आप प्रे करेंगे, यहाँ पर कैश में नहीं करेंगे। ओके गाइस, यहाँ पर एक सेकंड, अब मेरे को टैप करना पड़ा करेगा, मतलब कि जैसे रियल मशीन में होता है ना, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ऐसे टैप करना होता है, और कार्ड से यहाँ पर। ओके, आप क्या कैश? ओके सर, आप कैश से पेमेंट करेंगे? कोई नहीं, आपकी मर्जी है, $4 देने। मेरे को तो फिलहाल ये हो गए $2, ये हो गए $4। गाइस, यहाँ पर कस्टमर आने लगे हैं, आप तो मस्त कमाई होगी, और कमाई होगी तो हम अपने लिए कैशियर को जल्दी से हम परचेज कर पाएंगे ना। गाइस, सामान के हम प्राइस चेंज कर सकते हैं। और दूसरा, स्लाइडर तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, आपने देखा ही नहीं होगा स्लाइडर से क्या होता है। तो यहाँ पर एक सेकंड भाई, ये क्यों नहीं हो रहा? ओके, यहाँ पर ये स्लाइडर है, इससे हम ऐसे स्लाइड कर देंगे। तो यहाँ पर ये जितना इसका प्राइस होगा, मार्केट प्राइस होगा, मतलब कि चल रहा होगा, उतना प्राइस यहाँ पर दिखाई देगा, मतलब कि हमें लिखना नहीं पड़ेगा इतना प्राइस। तो फिलहाल तो मैं कुछ सामान ऑर्डर कर ले रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को क्या क्या चाहिए, एक सेकंड, यहाँ पर ये चाहिए क्या, ब्रेड व्रेड ले लेते हैं। गाइस, यहाँ पर बहुत सामान सेल होता है हमारा, और कुछ और जो जो सामान सेल हो रहा है उसको मैं परचेज कर रहा हूँ। ये फिलहाल नहीं चाहिए इनमें से मेरे को, एक सेकंड, वो चाहिए था भाई, वो किधर गया? ऊपर की तरफ क्लीनर चाहिए था मेरे को, यहाँ इधर की तरफ था तो वो। ओके, ये चाहिए मेरे को टूथपेस्ट, और यहाँ पर ये स्प्रे चाहिए, मतलब कि कीड़े वीड़े को मारने के लिए, मतलब ये बहुत काम आता है ये घर के लिए। तो फिलहाल तो कस्टमर तो ज़्यादा ही परचेज करेंगे ना। और एक सेकंड, मैं सोच रहा हूँ कि सेल्फ भी मैं परचेस कर लेता हूँ एक और। दो सेल्फ बहुत होंगे यहाँ पर, दो सेल्फ मैंने और ऑर्डर कर लिए हैं यहाँ पर। भाई मेरे को पता नहीं कि कितने सेल्फ ऑर्डर हो चुके हैं, वैसे यहाँ पर एक ही सेल्फ ऑर्डर हुआ है भाई। यहाँ पर इस सेल्फ को मेरे को थोड़ा लगाना होगा, जिससे प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पर इसको प्लेस करते हैं सेल्फ को, और दूसरा इसमें सामान भरते हैं। तो ये उठाया मैंने हिट, जिससे यहाँ पर कीड़े वीड़े मरते हैं। यहाँ पर ये हिट को यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पर। ओके, तो स्लाइडर से मैं फुल कर देता हूँ। $13 का है यहाँ पर इसका प्राइस। और यहाँ पर बॉक्स वॉक्स को मैं डाल दे रहा हूँ अपना डस्टबिन में, और सभी सामान को जल्दी जल्दी प्लेस कर लेता हूँ। ओके गाइस, सुबह से हो चुकी है रात, और यहाँ पर कस्टमर भी नहीं आ रहे, तो क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। और आज का देखते हैं कि हमने कितना आ चुका है, डे एंड यहाँ पर आ रहा है, तो डे एंड पर हम करते हैं इस पर क्लिक। ये यहाँ पर पहले हम यहाँ पर कस्टमर को जाने देते हैं। ओके, ये जा चुकी हैं मैम यहाँ पर, और यहाँ पर ओके 24 हमने यहाँ पर कस्टमर अटेंड किए, जिसमें से 20 कस्टमर खुश होके गए हैं यहाँ पर। गाइस, वापस से हो चुकी हमारी नेक्स्ट सुबह, हम करते हैं यहाँ पर अपने ऑफिस तो नहीं है, मतलब कि स्टोर को ओपन। स्टोर हमने ओपन कर लिया, फिलहाल मैं चलता हूँ कि एक सेकंड यहाँ पर इसको क्लोज करता हूँ। गाइस, मैं ये करा मैंने क्लोज, हो गया ना गाइस क्लोज। और इस सेल्फ को थोड़ा सा मैं इधर की तरफ खिसकाता हूँ, क्योंकि मेरे को एम्प्लॉय लेना है, तो मैं सोचूँ कि एम्प्लॉय के लिए जगह भी बनानी पड़ेगी मेरे को। ओके, तो मैंने जगह को ज़्यादा छेड़छाड़ की नहीं है, मतलब कि थोड़े सेल्फ इधर की तरफ खिसका दिए, और आप यहाँ पर चलते हैं यहाँ पर एम्प्लॉय, देखते किधर है। ओके, ये रहा हमारा कैशियर। तो ये है कैश रजिस्टर मोबाइल, इसको मेरे को करना होगा परचेज। फिलहाल तो यहाँ पर ये कर लिया है मैंने, यहाँ पर कर लेते हैं परचेज, ये कर दिया मैंने गाइस परचेज। और जल्दी से चलते हैं अपना
देखते हैं कि यहाँ पर हाँ, गाइस हम एम्प्लॉय को भी परचेस कर सकते हैं, मतलब कि अभी तो एम्प्लॉय नहीं परचेस कर रहा हूँ और थोड़ा बहुत सामान भी परचेस कर लेते हैं अपने लिए। ओके तो जितना सामान सेल्फ में आया वो मैंने रख दिया और बाकी को इसको यहाँ पर रख देते हैं। और अब टाइम आ चुका है हमारे एम्प्लॉय को चेक करने का। गाइस यहाँ पर मैंने फ्रीजर भी परचेस किया एक, और ये दे गया आप एम्प्लॉय को, बॉक्स में डाल के दिया है, मतलब कि एम्प्लॉय ने कैशियर को, कैशियर यस, इस कैशियर को हमें किधर अपनी जगह पर नहीं रख सकता क्या भाई मैं, एक सेकंड इधर तो अच्छा नहीं लगेगा गाइस, और इधर अगर मैं इधर रखूँगा तो बेचारे कैशियर को कुछ नज़र नहीं आएगा, तो सही कैशियर को रखने की जगह तो मेरे को वो ही लग रही है इधर की तरफ। यहाँ पर आमने सामने रहेंगे ना दोनों, यहाँ पर मैं भी कैश वैश देखता रहूँगा, तो इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हैं और ये कर दिया प्लेस गाइस मैंने। और फ्रीज़र को निकाल लेते हैं, ये हमारा फ्रीज़र, फ्रीज नहीं है अभी, यहाँ पर फ्रीज है नहीं परचेस किया, ये फ्रीज़र, फ्रीज़र को मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ और देखते हैं कि फ्रीज़र में क्या क्या सामान आता है भाई। यहाँ पर एक सेकंड, कोल्ड ड्रिंक वोल्डिंग तो आती होंगी यहाँ पर फ्रीज़र में। अबे ये टूथपेस्ट रखूँगा क्या मैं फ्रीज़र में, नहीं ना चीज़ वीज़ देखते हैं गाइस यहाँ पर ये आती है क्या यहाँ पर। अबे ये भी नहीं आ रही चीज, ये सामान तो आ ही नहीं रहा भाई गाइस, उसमें सामान आ ही नहीं रहा था। मैं सोच रहा हूँ कि एक फ्रीज भी परचेस कराई जाए, अब फ्रीजर परचेस किया है तो फ्रीज भी एक ये परचेस किया जाए यहाँ पर। यह फ्रीज, और अभी तक हमने परचेस किया फ्रीज़र, तो हमने फ्रीज भी परचेस कर लिया, फ्रीज़र तो आ चुका है। यह फ्रीज मतलब कि यहाँ पर बोतल वोटल रखते हैं वो वाला, इसको मैं सही से प्लेस किधर करूँ, तो फ्रिज तो प्लेस कर दिया। और यहाँ पर आप कोल्ड ड्रिंक रखने का टाइम आ चुका है, देखते हैं कि कोल्ड ड्रिंक वोल्ड्रिंक आती है क्या नहीं। ओके तो कोल्ड ड्रिंक तो आ रही है यहाँ पर $7 की है, जो कि फ्रिज में देखते हैं क्या क्या सामान रखते हैं। ये नहीं आना चाहिए मेरे को तो नहीं लग रहा है यहाँ पर, एक सेकंड चीज़, यस चीज़ तो आनी चाहिए, मतलब कि चीज़ तो आती होगी ना, इसमें रख लेते हैं। ऊपर की तरफ मैंने क्रीम व्रीम पता नहीं वो क्या था, मिल्क था या मिल्क तो नहीं था, मिल्क तो था ही नहीं, तो यहाँ पर ये चीज़ आ चुका है, चीज़ का पैकेट जो कि हमने यहाँ पर फ्रीज़र में भी रख दिया। फ्रीज़र नहीं है वो, फ्रीज है, फ्रीज़र वो है। ओके गाइस तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारा कैसा लग रहा है यहाँ पर स्टोर, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो फ्रीज इधर रख दिया, फ्रीज़र उधर, और यहाँ पर अब एम्प्लॉय, यहाँ पर एम्प्लॉय कस्टमर आ रहे हैं हमारे, और देखते हैं कि ये बिल विल बना भी रहा है कि नहीं। यहाँ पर ये हमारे कस्टमर यहाँ पर सामान ले रहे हैं, जो कि लेने देते हैं अच्छा खासा। लीजिए सर, बहुत मस्त है यहाँ पर सामान, अच्छा मिलता है, सभी सामान मिलता है यहाँ पर हमारे यहाँ। और ये आ चुके हैं सर यहाँ पर, ये इन्होंने यहाँ पर गए काउंटर पर, और गाइस ये बिल बना रहा है ना भाई, यहाँ पर देखते हैं कि पैसे वैसे आते हैं कि नहीं। यहाँ पर ये फ़िलहाल तो बिल बना रहा है, और यस गाइस हमारे आ चुके हैं बिल के पैसे, मिल चुके हैं हमें, तो गाइस ये हमारा एम्प्लॉय बढ़िया काम कर रहा है। गाइस हमारा हो चुका है यहाँ पर सेकंड डे, यहाँ पर पहले ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर गाइस मैंने दो और यहाँ पर सेल्फ ऑर्डर किए थे गाइस, यहाँ पर देखते हैं कि ये आते हैं क्या फ्रीज़र के अंदर, ये चीज़ देखते हैं फ्रीज़र के अंदर आती है क्या, एक सेकंड ये इधर तो नहीं आ रही सेल्फ में, तो सेल्फ में नहीं आ रही, तो यहाँ पर फ्रीज तो फुल है हमारा देखो, तो क्या हमारे यहाँ पर ये फ्रीज़र में आते हैं सामान, अबे फ्रीज़र में भी नहीं आ रहा। ओके ये फ्रीज में रखा जाता है सामान, फिलहाल तो मेरे को पता ही नहीं कौन सा सामान रखा जाता है फ्रीज़र में और फ्रीज में, ये सामान तो फ्रीज में भी नहीं आ रहा गाइस, पता नहीं कैसे यहाँ पर, क्या इसमें रखा जाएगा, इधर रखा जाता है ये, नहीं फ्रीज़र में, फ्रीज़र में आएगा क्या ये सामान। ओके गाइस ये फ्रीज़र में सामान आ चुका है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुका है फ्रीज़र के अंदर भी सामान, कुछ सामान फ्रीज़र के अंदर आता है, कुछ फ्रीज के अंदर और कुछ सेल्फ के अंदर, मतलब कि हर सामान नहीं रख सकते। फिलहाल ये किया मैंने स्टोर को अपने को क्लोज, क्योंकि गाइस मेरे पास ये दो वेंडिंग मशीन है और इनमें से एक ही काम करती है, मतलब कि कस्टमर तो एक ही लेते हैं ना, इसको हमें डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, मतलब कि इसको हमें पता नहीं टूटेगी क्या होगा, वैसे इसको यहाँ पर कैसे उठा सकते हैं, एक सेकंड यहाँ पर इसको मूव करते हैं, जो कि यहाँ पर इसको ऐसे रखते हैं और ये मशीन को निकालते हैं, और यहाँ पर अबे ये तो कुछ ऑप्शन नहीं आ रहा इस मशीन से, एक सेकंड यहाँ पर कुछ आता है क्या, इसको मूव करके मैं सोचूं कि इसको रख देते हैं, प्लेस करते हैं इधर की तरफ यहाँ पर जहाँ पर वेंडिंग मशीन थी ये,
इधर कर देते प्लेस और इस सेल्फ को करते हम इधर की तरफ बड़े प्यार से प्लेस। और अब यहाँ पर वेंडिंग मशीन का आता है क्या, डिस्ट्रॉय आ चुका है, ये हो चुकी है डिस्ट्रॉय हमारी वेंडिंग मशीन। और ज्यादा अब हमारे पास जगह हो चुकी है गाइस। दो सामान है जो कि बहुत ज्यादा मैंने ऑर्डर करके प्लेस कर दिए, ये है चॉकलेट और यहाँ पर मिल्क, मतलब की चॉकलेट मिल्क तो बहुत ज्यादा आ चुके हैं हमारे पास फिलहाल। अब और ज्यादा परचेस नहीं करूंगा मैं, जैसे जैसे सामान खत्म होता जा रहा है वैसे वैसे मैं सामान भी प्लेस करता जा रहा हूँ ऑर्डर करके। जैसे कि ये कोला की बोतल थी ये खत्म हो चुकी थी और यहाँ पर ये हो चुकी है फुल। गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि सेल्फ हमारे भरे भरे लग रहे हैं, मतलब कि अब हमें बहुत टाइम हो चुका है काम करते करते। यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टमर भी आ रहे हैं और जा रहे हैं। और गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो एंड डे हो चुका है हमारा और इनका बिल विल बनाने देते हैं। ये हो चुके हैं यहाँ पर हम जितने कस्टमर आए हैं उनको सामान लेने देते हैं और फिर हम क्लोज करते हैं। ओके गाइस ये थे लास्ट के कस्टमर, हम यहाँ पर ये कर दिया मैंने अपने स्टोर को बंद। सो ओके गेमर गैंग इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना, ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब। और गाइस अगली वीडियो में हम अपने एम्प्लॉय को परचेस करेंगे, तो कमेंट बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।